100 रुपये कमाने के लिए भी आदमी भटकना पड़ता है। गरीब बेचारा वैसे ही परेशान हो रहा है, ये और बीमारी से परेशान कर रहा है उसको, काम धंधा है नहीं है वैसे ही मर रहा है, मंदिरों पे बैठने जा रहे हैं बेचारे, देखो तो मंदिरों का हाल। खाने के लिए भी तकलीफ है, कारोबार के लिए भी तकलीफ है, बहुत सारी समस्या है, क्या क्या गिनाऊं। सरकार को मतलब नहीं आज किसी की भी परेशानी से, ये तो सरकार कोरोना काल को आज अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि हम लोग से किराया दिया पार नहीं लग रहा है, मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है, इतने परेशान है जिसका जवाब नहीं, पहले अपने बच्चे पाल लेते थे, बच्चे पालना भारी पड़ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आए? सरकार हाथ धो बैठी है, सरकार कर क्या रही है, अपना ही घर अपने और गरीबों को नहीं खाने दे रहे, सरकार है ये, सरकार है ये निकम्मी सरकार है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की माधीपुर मार्केट में, जहां पर आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कोविड काल में क्या दुकानदारों की हालत सुधरी है या और ज़्यादा गंभीर हो गई है। आज हम लोगों से बात करेंगे, जितने भी यहाँ पर जूता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि 1 जनवरी से जिस तरह 5% GST 12% कर दिया गया जूतों पर, उसकी मार आज भी दुकानदार झेल रहा है, एक मैन्युफैक्चरर झेल रहा है। लोगों से जानेंगे, बात करेंगे काम धंधे की क्या स्थिति है, कैसे मार्केट उनकी चल रही है या नहीं चल रही है। आइए आपको आज पूरी स्थिति दिखाएंगे मार्केट की। हाँ, मैं राजीव गौतम हूँ, माधीपुर गांव से और मैन्युफैक्चरर हूँ चप्पल फुटवेयर से। सर, क्या समस्या है यहाँ की, कैसे चल रही है मार्केट इस समय? देखिए, जब से सरकार ने कोविड को लेकर के जो घोषणाएं करी हैं, उसके बाद में बाजार के अंदर एकदम अफरा तफरी का जो माहौल बना है, उससे मार्केट एकदम जो है मंदे के उसमें स्थिति के अंदर आ गई है। यहाँ से जो छोटा कारीगर है वो पलायन कर गया है, कारखानों के पास कारखानदार जितने भी हैं यहाँ पर, उनों के पास में काम धंधा करने के लिए रहा नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट में, आप देखोगे किसी भी दुकान के ऊपर एक भी ग्राहक जो है, लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से जो है कोई ग्राहक किसी दुकान पर है नहीं। स्थिति बेहद कमज़ोर है और ख़राब स्थिति से जो है इस टाइम कारखानदार जो है यहाँ का गुजर रहा है। यानी आज स्थिति ये है, छोटे कारीगर के साथ में अगर आप देखोगे तो उसके पास में आज काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो आज उसके घर परिवार के पास में बिल्कुल खाने पीने के लिए नहीं है। और सरकार की तरफ से इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई संज्ञान जो है वो लिया नहीं जा रहा कि आज छोटा मैन्युफैक्चरर चाहे वो किसी भी लाइन का है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है और किस स्थिति से नहीं गुजर रहा। ऐसी स्थिति चल रही है मैडम कि 3 फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ हूँ, पहले 50 कारीगर हुआ करे थे, आज 2 कारीगर हैं, अभी आपको चल के दिखा दूंगा, बाकी 2 फैक्ट्रियों का किराया भर भर के परेशान हूँ। किराया आपका लॉकडाउन में माफ़ नहीं किया गया? नहीं, कोई किराया माफ़ नहीं हुआ था हमारा। कैसी कमाई हो रही है, कैसा मार्केट आपका चल रहा है? बिल्कुल, अब 12% GST आ गई, लोग बिल लेने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा है कि बिल्कुल काम ही नहीं दे रहा है, और ना तो काम हो गया, OD1 के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं, बिल्कुल काम धंधे हमारे चौपट पड़े हुए हैं। जैसे थोड़ा सा काम स्टार्ट होगा लॉकडाउन लगा देगा, ना ही कोई वैक्सीन सही हो रही है, लोगों लगा रहे हैं उनको इन्फेक्शन फैल रहा है, कई ऐसी चीज़ें समस्याएं कि उनको करते करते ये भूल जाते हैं। कारोबार तो ख़त्म हो गया, पढ़ाई एजुकेशन भी बच्चों ख़त्म ही है, हर चीज़ आज आदमी अगर 500 की 200 की करे मजदूरी वो भी नहीं हो रही है, एक दिन खुलेगा 2 दिन बंद है, ऐसे ही हो रहा सिस्टम। तो आपको लगता है छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं करा है? यह समझ लो केंद्र सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं है, राज्य सरकार जब कुछ करना चाहेगी उसको करने नहीं देते। यहाँ पे देखो इतने मजदूर है, एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा, सारे आधे से ज़्यादा फैक्ट्री बंद हो गई है, लॉकडाउन ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक तो महंगाई इतनी दुनिया भर की, और ऊपर से ये महंगाई इतनी सारी, क्या क्या करे बंदा, वैसे ही परेशान है, एक तो काम धंधे से परेशान है, और एक ये कभी कोरोना कभी क्या, इंसान करे क्या? अभी क्या कह रहे हैं OD1 कभी के वो कभी के ये, अभी के वीकेंड का लॉकडाउन, थोड़ा बहुत काम चलता है वो भी काम बंद हो गया। लेकिन बीमारी भी तो साथ बढ़ी रही है ना, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मैडम इतने टाइम तो बीमारी नहीं थी क्या? कांग्रेस के टाइम पे तो कोई बीमारी नहीं थी, बीजेपी आते बीमारी, हर साल बीमारी हो गई। अब 12 महीने में खाली 6 महीने काम हो रहा है, 6 महीने बैठे रहो घर पे, सरकार खाली चावल और गेहूँ देती है, चावल और गेहूँ से करे क्या है? उसमें और चीज़ें नहीं लगती है, गेहूँ और चावल फ्री बांट रही है, गेहूँ चावल फ्री बांटने से क्या होगा, उनके क्या चूल्हे जल जाएंगे? ये सरकार तो मार रही है गरीबों को, जिंदा थोड़ी ना रख रही, पैसे वाले वो तो घर में बैठे हैं इन्वर्टर, ये गरीबों का लॉकडाउन है, वो तो अमीरों का लॉकडाउन थोड़ी है। गरीब तो बेचारा रोटी खाएगा, कमाने जाएगा जब भी, तो ये कहा का लॉकडाउन है?
किस बात का लॉकडाउन लगाते हैं? अमीर पे लॉकडाउन लगाओ ना, उनने भर रखे नोट के नोट, कोठी बना रखी है। लेकिन वो काम धंधे के लिए थोड़ी लॉकडाउन लगा रहे, वो तो बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगा रहे। बीमारी मेरे को दे तो बताओ, इन नेताओं को बीमारी नहीं लग रही है? गरीब पे बीमारी है, पैसे वाले बाहर जाते बाहर से बीमारी लाते हैं, गरीब तो बेचारे यहीं की यहीं रह रहे ना, उसको तो बीमारी नहीं है। बीमारी का नाम ले रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं गरीबों को बेचारों को। इस धरती पे आया कुछ करने तो पेट के लिए आया ना भूखा, गरीबों को तो देख नहीं रहे, अमीरों को देख रहे हैं। ये ट्रक वाले जहाँ कहीं पकड़ लेते गाड़ी तो 500 दो 1000 दो, काम धंधा नहीं है बेचारों को, कहाँ से दे इनको? ये तो बताओ मुझे, कहाँ से लाएगा बेचारा गरीब आदमी? ये रिक्शे वालों को पकड़ लेते, वो कितने रिक्शे भरे पड़े थाने में, इसका है कुछ? पैसे दे दिए छोड़ दिए, सरकार को पता लग रहा कितने पैसे दे दिए इसने, छोड़ दिए रिक्शा? सरकार के पास पहुँच रहे पैसे? किसी घर में चूल्हे जल रहे नहीं जल रहे पता है सरकार को? सरकार की बात कर रहे हो? लेकिन वो कहते तो बहुत है कि उन्होंने बहुत सारी नीतियां लाए हैं, वादा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाता कोई। हाँ मेरी माता बहनों ये कर देना, फिर तो देखते हो माता बहनों घर में क्या हो रहा है, वोट के बहाने आ जाएंगे। माता बहनों देखो इसको जिताना, जिता दिया फिर देखने आ रहा उनके घर में। काफी डाउन है काम, होलसेल मार्केट बंद है और ओडी बन है, तो ओडी बन करके दो दिन ही मिलते हैं हफ्ते में काम के, तो उसमें भी कारीगर नहीं है, लोग लॉकडाउन के डर से भाग रहे हैं, लेबर नहीं है, तो काफ़ी डाउन है, स्थिति है ही नहीं काम। लेबर जा चुकी है आपकी? कम है लेबर, बाजार में जो काम करने वाली लेबर है वो नहीं है, वो चले गए हैं लॉकडाउन के डर से। हमारे पास तो थोड़ा बहुत स्टाफ है जी, तो कर रहे हैं, लेकिन बाजार में काम की स्थिति बहुत कम है ही नहीं है काम। तो सर जो पहले लॉकडाउन लगा था उससे और अब अगर तीसरा लॉकडाउन लग जाता है तो क्या कुछ फर्क आप देखते हैं दोनों चीजों? बहुत ज्यादा आ जाएगा जी, लेबर जो है वो अपना काम नहीं करेगी तो उसको घर कैसे चलाएगी वो? पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, हमारी जो करंट सिस्टम होता है कैश डाउन का, वो सिस्टम खराब हो जाएगा कैश का सारा। लॉकडाउन से किराया पड़ेगा हमारे ऊपर, और जो सैलरी पड़ेगी वो अलग है थोड़ी बहुत, और उसमें फिर आगे आगे काम नहीं मिलेगा, फिर किराया पूरा देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, बट सेल नहीं होगी, जो पेमेंट्स हैं बाजार में वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब फाइनेंशियली लोग साउंड नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जी तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ेगी। यानी कि सोचते हैं तो दिक्कत होती है, तो सोचना छोड़ दिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा जी। अब काम बिल्कुल खाली बैठे, सुबह आते हैं शाम को ऐसे ही खाली बैठ के चले जाते हैं, और जो खर्चा है दुकान का लड़कों का वो सब हमारे ऊपर ही है, हम अपने घर से ही दे रहे हैं, कमाई से कुछ नहीं जा रहा। कब से है ये स्थिति? लगभग एक महीना हो गया है। हाँ एक महीना। तो पहला जितना मतलब 2020 से कोविड का दौर चल रहा है तब तक सब कुछ स्टेबल रहा है फिर भी, लेकिन अब जो है आप कह रहे हैं वो स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, पहले कोविड के बाद जब लॉकडाउन के बाद जब मार्केटें ओपन हुई थी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब स्टेबल हो गया था, बट अब एक महीने से ना वाली बहुत दिक्कत हो गई है, बिजनेस तो बिल्कुल जीरो हो गए हैं, ऑलमोस्ट 75% लेबर जो है वो अपने घर वापसी घर लौट गई है, डर के मारे कि लॉकडाउन लग जाएगा फिर दोबारा पहले की तरह फंस ना जाए। पहले तो ये यहाँ पे काम करते थे तो थोड़ा खर्चा पानी लग 2000-2500 रुपये काम कर लेते थे, थोड़ा बचा के 1000-1500 रुपये करीब बच जाते थे, घर भेज देते थे महीने में 6-7000 रुपये। जब कोविड काल आया तो फिर गाँव जाना पड़ा मजबूरी में, क्यों काम बंद हो गए, वहाँ पर जाके पास में तो कुछ था नहीं जुड़ा हुआ, जो 8-10 हज़ार थे वो खर्च हो गए क्योंकि लॉकडाउन जो था वो लंबा था, फिर वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत कर्जा उर्जा लिया, कर्जा करा, अब वो यहाँ पर सोचा थोड़े दिन काम कर लेंगे कर्जा निकाल देंगे, तो दोबारा से फिर ऐसी सिस्टम हो गया, अब वहाँ पर जिसका कर्जा है वो भी प्रेशर डाल रहा है ऊपर, और फिर खर्चे पानी चल नहीं पा रहे हैं, और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वाले साहब भी हमारे इतने नहीं है जो कर लें, हमारे ऊपर ये सारा कुछ, वो बूढ़े हैं उनका भी दवाई दारू का खर्चा है। मैम बहुत ख़राब स्थिति थी, सारे तरफ कारीगर बैठे होते थे, करोल बाग माल जाता था, माल भी कोई करोल बाग मंगा नहीं रहा है, सारे स्टॉक में रखना पड़ रहा है, अगर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है तो करोल बाग से पेमेंट नहीं मिल पा रही है, प्लस हमारे जो फैक्ट्री का किराया भी है वो भी नहीं निकल पा रहा है, अभी मकान मालिक भी बार बार फ़ोन कर देते हैं कि किराया चाहिए किराया चाहिए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं किराया। कितना फैक्ट्री का रेंट कितना है? मैम मेरे फैक्ट्री का रेंट 15,000 रुपये प्लस बिजली। व्यापारी बाहर से नहीं आ रहा है, माल जाएगा कहाँ से, लॉकडाउन चारों तरफ लगा हुआ है, हम लोग खुद परेशान हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा इस टाइम, ये हालत है, अब क्या करें मजबूरी है। पहले कितनी कमाई हो जाती थी और अब कितनी होती है? हफ्ते में 2500-2000, अब तो समझ लो 1500 रुपए काम नहीं है, किराया देना,
5,000 रुपये तो किराया, घर का खर्चा, यह सब कहाँ से निकालेंगे। मार्केट की स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जा रही है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों को और ज़्यादा डरावना दिखाती है। जितने भी दुकानदार और जितने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के मालिक हैं, जितने भी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले दिनों का खतरा बढ़ता जा रहा है। जितने भी दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, अगर लॉकडाउन लगता है तो मार्केट की स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। मैं इशिका, छलको दिल्ली।